तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के बारे में, मतलब जो लोग भी शेयर मार्केट के अंदर नए हैं या जिन्होंने भी अभी तक शुरुआत नहीं की है तो ये वीडियो उनके लिए है, और जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं भले ही वो स्टॉक मार्केट के अंदर पुराने हो तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जो लोग भी नए हैं शेयर मार्केट के अंदर या शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले यही कंफ्यूजन रहता है कि शुरुआत कैसे करें और मिनिमम हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, मतलब 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, मिनिमम हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा शेयर लें, कौन सा अच्छा शेयर है, कौन सा बुरा शेयर है। तीसरी ये बात है कि शेयर मार्केट से हम पैसे कैसे कमा पाएंगे, मतलब मेन तो चीज यही है शेयर मार्केट में आने की कि हम इससे पैसे कैसे कमा पाएंगे, प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे। तो इन सारी चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, आपके जो भी सवाल हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर सबसे पहली जो शुरुआत होती है डीमैट अकाउंट से, मतलब शेयर मार्केट के अंदर अगर हमें शेयर खरीदने हैं तो डीमैट अकाउंट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम पैसे जो है बैंक के अंदर जमा कराते हैं, उसी तरह से हमें शेयर अगर खरीदने हो तो हमारे पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो शेयर जो है BSE और NSE पर लिस्टेड होते हैं, पर उससे शेयर को हम खरीदना है तो हमारे बीच में ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। तो जिस भी कंपनी के अंदर हमारा डीमैट अकाउंट होता है वो हमारा ब्रोकर कहलाता है, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ये हमारे ब्रोकर कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि सही ब्रोकर कौन सा रहेगा, कहां पर हमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर हैं, तो कहीं पर हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है तो कहीं पर नहीं देनी पड़ती है। अब ये ब्रोकरेज क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, ब्रोकरेज होती है दलाली, हिंदी में बोलते हैं दलाली, मतलब शेयर खरीदने और शेयर बेचने दोनों पर ब्रोकरेज लगती है। पर आजकल ऐसे बहुत से ब्रोकर हैं जहां पर हमें शेयर खरीदने और बेचने पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होती है, पर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग पर हमारी ब्रोकरेज लगती है। तो देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो इन्वेस्टिंग होता है कोई भी शेयर अगर हम लेते हैं एक दिन या उससे ज्यादा रखते हैं, साल, दो साल, 10 साल या आजीवन रखते हैं, उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। इन्वेस्टिंग मतलब किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना, और ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि उस शेयर को हम पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखते हैं, मतलब उसकी डिलीवरी हम नहीं लेते हैं, बस उस शेयर के अंदर ट्रेडिंग करके जो भी प्रॉफिट या नुकसान होता है वो लेकर हम निकल जाते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जनरली अभी काफी ऐसे ब्रोकर हैं जो कि डिलीवरी, मतलब जो इन्वेस्टिंग होती है उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, सिर्फ इतने ही चार्जेस लेते हैं जब हम शेयर को सेल करते हैं तो DP चार्जेस लगते हैं जो करीबन 20 से 25 रुपए होता है। जब ये शेयर को सेल करते हैं उस समय 20 से 25 रुपए जैसा हमें देना पड़ता है, चाहे कितने भी शेयर हो, मतलब एक शेयर हो या 100 शेयर हो, हमें 20 से 25 रुपए पे करना पड़ता है, बाकी खरीदने और बेचने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और ऐसे जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उन पर ट्रेडिंग पर चार्जेस लगते हैं 20 रुपए पर ऑर्डर, मतलब खरीदने पर भी 20 रुपए पर ऑर्डर और सेल करने पर भी 20 रुपए पर ऑर्डर। तो इस तरह के जो ब्रोकर होते हैं उनको डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं, और जो ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं, मतलब इन्वेस्टिंग पर भी जो ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं उनको फुल सर्विस ब्रोकर बोलते हैं, मतलब वो खरीदने पर भी हमारे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और बेचने पर भी हमारे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर, और जो इन्वेस्टिंग के अंदर हमारे ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते उनको डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं। तो अगर इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ये इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इनके पास सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट है अभी इंडिया के अंदर। एंजल वन पर जो अकाउंट बनता है वो बिल्कुल फ्री में बनता है, और एक साल का जो AMC चार्ज होता है, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो भी बिल्कुल फ्री होता है। और हाँ, ऐसे जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनके अंदर क्या है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, मतलब सालाना जो ये ब्रोकरेज तो लेते नहीं है पर सालाना जो हमारा अकाउंट मेंटेन करने के लिए चार्जेस लेते हैं, लगभग किसी में 250 रुपए, किसी में 300 रुपए, 360 रुपए के आसपास इन सभी में चार्जेस होते हैं। तो एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट बनता है, और जीरोधा और अपस्टॉक्स पर अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो वहां कुछ चार्जेस लगते हैं लगभग 200 रुपए के आसपास। तो ये तीनों टॉप डिस्काउंट ब्रोकर हैं, आप चाहे जहां डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा और अपस्टॉक्स तीनों की। अब ये चीज तो हमारे क्लियर हो गई कि हमें डीमैट अकाउंट कहां खुलवाना चाहिए, मतलब ब्रोकरेज अगर कम लगती है तो वो सबसे बेस्ट है, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाना थोड़ा सही रहता है। फिर दूसरी चीज ये आती है कि अकाउंट तो हमने खुलवा लिया, अब शेयर कैसे लेने हैं, उस पर हमें प्रॉफिट कैसे कमाना है, मतलब शेयर मार्केट से हम कमाई कैसे कर पाएंगे। तो शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए दो तरीके हैं, पहला तो है इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग क्या होता है मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत समझाया, अब पूरा क्लियर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमने कोई भी शेयर लिया, मतलब इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि डिलीवरी के अंदर हम शेयर लेते हैं, जिसको डिलीवरी बोलते हैं या कैश एंड कैरी बोलते हैं। तो डिलीवरी के अंदर कोई भी शेयर लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एक दिन या उससे ज्यादा हम इस शेयर को रखते हैं, मतलब मान लो 1 साल 2 साल 3 साल या आजीवन तक उस शेयर को रखते हैं, वो शेयर जो है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर दिखाएगा, पोर्टफोलियो के अंदर दिखाएगा, मतलब उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना, मतलब किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना। तब इससे पैसे कैसे कमाते हैं, मान लो कोई भी शेयर हमने कम भाव में लिया और ज्यादा भाव के अंदर बेच दिया, तो इससे हमें प्रॉफिट जो भी मिलता है तो वो हमें इससे पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी शेयर 100 रुपए में लिया, कल उसके भाव 110 रुपए हो गए, तो हमने उसको सेल कर दिया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया।
एग्जाम्पल के तौर पर हम जमीन ले लेते हैं, अगर जमीन के भाव कल ही बढ़ जाते हैं तो हम उसको सेल कर देते हैं, ये हमारे ऊपर है। और अगर हमें लगता है कि इसके भाव और ज्यादा बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, इसके अंदर और ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब हाईवेज आएंगे, यहाँ पर मॉल्स वगैरह खुल सकते हैं, तो हम जमीन को रख देते हैं, हम फ्यूचर देखते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, मतलब हमारा विजन क्या है उसके ऊपर, उसका फ्यूचर कैसा है, इस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे जमीन ली उसी की तरह ही हम शेयर ले सकते हैं, शेयर को हम 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने जहां पर भी हमारा प्रॉफिट हमें लगता है कि पूरा हो गया है, मतलब ये हमारा प्रॉफिट बराबर है, अब हमें इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, तब हम उसको सेल कर सकते हैं। तो यही चीज इन्वेस्टिंग कहलाती है। और इन्वेस्टिंग जो है सबसे सेफ तरीका है शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाने का। और अगर हमारे पास पेशेंस है, मतलब लगभग 5 साल 10 साल या 20 साल तक का पेशेंस है हमारे पास, और हमने बहुत अच्छे शेयर सेलेक्ट करके लिए हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, तो हमें 10 गुना 20 गुना 50 गुना और 100 गुना तक के रिटर्न भी मिल सकते हैं आने वाले 5 साल 10 साल या 20 साल के अंदर। और ऐसा पास्ट के अंदर हुआ भी है, काफी ऐसे अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं पास्ट के अंदर, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, इंफोसिस, विप्रो और इसके अलावा अदानी ग्रीन, इन शेयर्स ने 50 गुना से लेकर 100 गुना तक के रिटर्न बना के दिए हैं, मतलब 10 से 20 साल के अंदर। तो ये पॉसिबल होता है जब हमारा स्टॉक सिलेक्शन जो है सही होता है, मतलब हम सही शेयर सेलेक्ट करते हैं जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, वो हमें फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे और मल्टीबैगर रिटर्न बना के देता है। और अगर हमने इसकी बजाय कोई गलत स्टॉक पिक कर लिया है जिसका फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो कभी कभार हमारे पैसे भी डूब जाते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब स्टॉक पिक कैसे करना है, मतलब हमें स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, ये मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा कि हमें स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है। अब देखिए दूसरी बात, शेयर मार्केट के अंदर दूसरा ऐसा कौन सा तरीका जिससे पैसे कमा सकते हैं, तो दूसरा तरीका है ट्रेडिंग से हम पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सबसे रिस्की तरीका है पैसा कमाने का। रिस्की क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पैसा एक साथ आता है और एक साथ जाता है, क्योंकि जनरली जो भी ट्रेडिंग होती है उसके अंदर हमें मार्जिन मिलता है। मार्जिन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे हम इन्वेस्टिंग करते हैं, डिलीवरी के अंदर कोई भी शेयर लेते हैं, तो मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और शेयर का प्राइस जो है 100 रुपए है, तो 1 लाख रुपए के अंदर लगभग 1000 शेयर्स आ जाएंगे। और वो शेयर हमने ले लिया, 1-2 दिन बाद जब उसके भाव 110 रुपए हो गया तब हमने उसे सेल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। पर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि मार्जिन मिलता है 5 गुना का 10 गुना का, हम एवरेजली अगर 5 गुना का भी मार्जिन लेके चलते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास 1 लाख रुपए है पर हम 5 लाख रुपए के शेयर खरीद पाएंगे। मतलब वो खरीदना नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रेडिंग करना होता है, वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं आएंगे, मतलब उसको ट्रेडिंग जब एंड होगी तब हमारे पास कोई भी शेयर नहीं रहेगा। तो मान लो 5 गुना का भी मार्जिन मिल गया, हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हम 5 लाख रुपए के शेयर खरीद पाएंगे, तो 5 लाख तक के शेयर खरीद पाएंगे। तो वो शेयर अगर हमने 100 रुपए में लिया और 110 रुपए में बेचते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है 50,000 होगा ट्रेडिंग के अंदर। और अगर शेयर गिरता है, मतलब 100 रुपए से 90 रुपए के अंदर आ गया, तो हमारा लॉस भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब लॉस जो है वो भी 50,000 रुपए के आसपास हो जाएगा अगर 90 रुपए प्राइस आ जाती है। तो पैसे डूबते भी एक साथ हैं और आते भी एक साथ हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो सबसे रिस्की तरीका है पैसे कमाने का। और देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग अगर आप बिना सोच समझ के करते हैं, बिना चार्ट पढ़े, बिना उसकी हिस्ट्री जाने करते हैं, तो वो एक सट्टे जैसा हो जाएगा आपके लिए। मतलब आप बिना देखे अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो एक सट्टा हो जाएगा। अगर आप स्टडी करके ट्रेडिंग करते हैं, मतलब उसका लो कब आता है, उसका हाई कब बनता है, उसका चार्ट अच्छी तरीके से रीड करते हैं, उसका 52 वीक का लो देखते हैं, हाई देखते हैं, सारी चीजें बढ़ के, मतलब उसका पूरा चार्ट पैटर्न अच्छी तरीके से रीड करके अगर आप बिना देखे उससे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, इसी कारण जो ट्रेडिंग के अंदर बहुत कम लोग सक्सेस हो पाते हैं। अगर शेयर मार्केट के अंदर देखें तो सिर्फ 1% लोग ही ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस हो पाते हैं, और ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा डुबा कर ही जाते हैं। और ट्रेडिंग अगर टाइप देखें तो इसके अंदर इंट्राडे होता है। इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि एक ही दिन के अंदर शेयर को सेल करना और बाय करना, मतलब जो भी ट्रेडिंग है एक ही दिन के अंदर हमें खत्म करनी पड़ती है। मतलब जब मार्केट खुलता है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में हमारी सारी ट्रेडिंग खत्म हो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब उसके अंदर चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। फिर दूसरी चीज होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसके अंदर एक्सपायरी डेट वगैरह होती है। जैसे आप ये मान सकते हैं बैंक निफ्टी है, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह हम करते हैं, इनके अंदर क्या है कि डेट्स की एक्सपायरी होती है। और दोस्तों और भी ज्यादा डिटेल्स के अंदर अगर आप जानना चाहते हैं ट्रेडिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग जयेश खत्री लिखकर। और ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हैं ट्रेडिंग पर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये शेयर जो है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं आएंगे, मतलब खरीदा और बेचा उसके बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो बुक कर लिया और बाहर हो गए।
तो ये ट्रेडिंग कहलाती है। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए जो लोग भी नए हैं वो लोग काफी ऐसे वर्ड सुनते हैं, बीएससी है, एनएससी है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो ये क्या चीजें हैं? तो बीएससी एनएससी क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब जहां पर सारे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं ये शेयर का मार्केट है, मतलब जहां पर शेयर्स वगैरह मिलते हैं, मतलब जैसे कोई भी मोबाइल की दुकान होती है वहां मोबाइल वगैरह मिलते हैं, तो उसी प्रकार से ये शेयर का एक मार्केट है बीएससी और एनएससी, यहां पर सारे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, तो इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, या यूं कहें एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है। और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सारे शेयर जो बीएससी एनएससी के अंदर लिस्टेड होते हैं तो वहीं से हम शेयर खरीदते हैं। और शेयर कैसे खरीदते हैं? ब्रोकर के थ्रू, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, इनके थ्रू हम शेयर जो है खरीदते हैं। और फिर सेंसेक्स क्या होता है? तो सेंसेक्स एक इंडेक्स है, मतलब ये हमें शो करता है कि मार्केट का हाल कैसा है। तो बीएससी के अंदर जो टॉप 30 स्टॉक्स हैं उनको मिला के सेंसेक्स बनता है। तो ये टॉप 30 स्टॉक्स हमें बताते हैं कि मार्केट का हाल कैसा चल रहा है, मतलब ऊपर है या नीचे है, मार्केट का हाल बताते हैं। मान लो कोई भी आपने ऐसा शेयर ले लिया जो कि सेंसेक्स के अंदर नहीं है, मतलब टॉप 30 शेयर्स के अंदर नहीं है, मान लो सेंसेक्स गिर रहा है पर आपका शेयर चढ़ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। पर ये ओवरऑल टॉप स्टॉक्स होते हैं जिनसे क्या है कि मार्केट का हमें अंदाजा लग जाता है, मतलब अगर मार्केट डाउन होगा तो ये टॉप स्टॉक्स भी है थोड़े बहुत डाउन होंगे। फिर निफ्टी क्या है? निफ्टी जो है एनएससी का इंडेक्स है, मतलब एनएससी के अंदर जितने भी शेयर्स लिस्टेड है उसका हाल बताता है। जैसे आपने निफ्टी 50 सुना होगा, तो ये टॉप 50 जो स्टॉक्स होते हैं एनएससी के अंदर उनका हाल बताता है, मतलब उनका पूरा इंडेक्स है। इससे हमें मार्केट का पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर नीचे है। तो अब ये सारी चीजें भी क्लियर होगी, बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, निफ्टी। फिर अब देखिए आपका ये सवाल है कि अच्छे शेयर्स हम कैसे पहचाने। तो देखिए बहुत सारी वेबसाइट और एप्स हैं जहां पर आप स्टॉक के बारे में ज्यादा रीड कर सकते हैं, मतलब उसकी जानकारी ज्यादा ले सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पर एक ऐप ले लेते हैं, टिकर टैप ऐप। टिकर टैप की ऐप पर बहुत सारी जानकारी मिल जाती है किसी भी शेयर को लेकर, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो देखिए दोस्तों कोई भी शेयर अगर आपको लेना है तो टिकर टैप पर जाकर उस शेयर को हम सर्च कर लेते हैं। मान लो रिलायंस शेयर है तो उसको सर्च करते हैं तो हमें प्राइस चार्ट वगैरह दिखाएगा, हमें हिस्ट्री देखने की, हिस्ट्री में इसका प्राइस चार्ट वगैरह क्या था, एक साल के अंदर इसका प्राइस वगैरह देखना, कितना लो गया, कितना हाई गया, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट सबसे चीज क्या होती है इसके अंदर, मेन इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी किसी भी शेयर के अंदर होती है उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मतलब उसका धंधा कैसा चल रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है। अगर वो रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, मतलब साल दर साल उसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, तो वो कंपनी अच्छी है। मान लो कोई कंपनी जो है लगातार लॉस जनरेट कर रही हो, मतलब पिछले 4-5 सालों से लॉस जनरेट कर रही हो और उसके रेवेन्यू के अंदर भी गिरावट है, तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। और उसके अलावा किसी भी शेयर के अंदर हमें ये देखना चाहिए उसका फ्यूचर कैसा है, मतलब फ्यूचर के अंदर आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल के अंदर वो कंपनी मतलब कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, उसकी डिमांड कैसी रह सकती है। मान लो अभी अगर हम ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिनका फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में नहीं है, अभी कोई भी कंपनी है जैसे वो कोयले से बिजली उत्पन्न करती है तो उनका फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में नहीं है। आगे आने वाले टाइम में क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में जो बिजली उत्पन्न होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है? जो सूरज मतलब सोलर से जो बिजली उत्पन्न होती है, विंड मिल जो कि पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं वहां से बिजली उत्पन्न होगी। तो ऐसी चीजों से जहां बिजली उत्पन्न होगी उनका फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में जबरदस्त है। तो हमें यह देखना है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर किसका जबरदस्त है, ऐसे स्टॉक्स हमें सेलेक्ट करने हैं। उसके अलावा उसके फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, मतलब उसका धंधा अच्छा चलना चाहिए। और उसके अलावा उसके ऊपर डेप्ट मतलब उधारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उधारी भली ही हो पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा ना होगी वो चुका ना पाए। और उसके अलावा हमें यह भी देखना है कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वगैरह कैसा है, मतलब ये थोड़ी डिटेल में बात है पर फिर भी हमें पीई वगैरह इसका देख के उसके बाद किसी भी शेयर को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको टिकर टैप की ऐप पर देखने को मिल जाएगी। और ये सारी चीजें एनालिसिस करके फिर किसी भी शेयर के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम टारगेट रखिए, 5 साल 10 साल 20 साल का टारगेट रख के उसके बाद किसी भी शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टारगेट हमेशा बना के चले, और कोई भी शेयर अगर आप लेते हैं तो हमेशा 20% 30% अमाउंट ही इन्वेस्ट करें, एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। ये क्या है कि मार्केट जब गिरता है, मतलब शेयर जब गिरेगा तो और आप शेयर ले पाएंगे तो आपके पास और ज्यादा पैसे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो कभी भी एक साथ पैसा इन्वेस्ट ना करें, ये हमेशा चीज ध्यान में रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और आपको इससे काफी सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या सीखने को मिला है इस वीडियो से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की लिंक और टिकट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।